देख सकते हो मेरी किस्मत आज अच्छी है कि जहाज देखने को मिल गया। ये देखो एक पानी वाला जहाज, विशाल का है जहाज, FSL किलैंग इस जहाज का नाम है। और ये अपने डेस्टिनेशन पर चल पड़ी है। ये देखो इसी पानी, ये जो ये अभी जो मैंने कह रहा था कुछ देर पहले, मैं जो कह रहा था ज्वार आया हुआ है, इसी ज्वार का उपयोग करके ये जो मेरे पीछे आप जो जहाज देख रहे हो ना, ये जहाज जा रहा है समुद्र की ओर। ये समुद्र का अंतिम छोर है, ये जो है समुद्र का अंतिम छोर है और ये जहाज जा रहा है। ये देखो आप, एक नहीं एक और जहाज है। जब ज्वार आता है तब इसी ज्वार के पानी का उपयोग करके ये बड़े बड़े जो जहाज हैं ये अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। और इनसे पानी में, पानी की लहर जो होती है वो आपको दिखाऊं, पानी की लहर, पानी की लहर देखो, देखो पानी की लहर देखो, ये देखो, ये है कहानी यहाँ की। लोग इसलिए आते हैं मेरे पीछे, आप देखोगे, देखो लोग, लोग मेरे पीछे देखो, देखो हा? और मेरे इस पीछे देखो, ये देखो मैं जो वो टापू की बात कर रहा था, और देखो इस टापू में ये चढ़े हुए हैं बच्चे, मस्ती कर रहे हैं, फुल मस्ती, फुल लॉन मस्ती, फुल लॉन देखो, मस्ती फुल ऑन चल रही है। सही में अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि प्रकृति बहुत खूबसूरत है, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। देखिए इधर पानी है, तो अब मैं देखिए, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, देखो इधर खेती हुई पड़ी हुई है, देख रहे हो आप, ये देखो इधर टमाटर की खेती, इधर आई थिंक हाँ गोभी है, गोभी की खेती हुई पड़ी है। ये अल्टीमेट नज़ारा है, अल्टीमेट नज़ारा। ये प्रकृति सही में विचित्र है, प्रकृति प्रकृति विचित्र है, प्रकृति अद्भुत है, प्रकृति हमें देती है, बार बार मैं यही कहूँगा, नेचर हमें देती है। सही में इस अद्भुत नज़ारे को कौन मिस करना चाहेगा, कोई मिस करना चाहेगा बताइए। ये मैं घूम रहा हूँ, इस नज़ारे को कोई मिस नहीं करना चाहेगा। आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए कितनी तेज हिलोरे मार रही है ये आवाज़, और ये अभी भी वही है। देखिए जो, देखिए यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो मैं एकदम किनारे खड़ा हूँ, नदी के किनारे एकदम खड़ा हूँ, और खड़े होकर ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये देखो सही में ऐसा अद्भुत नज़ारा मुझे, इसीलिए मैं प्रकृति को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये नज़ारा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नज़ारा, ये देखो आप, ऐसा नज़ारा देखो मिलेगा। ये हिस्सा अभी भी वही चल रहा है, आपको मैं बता दूँ, आप लोगों को लगेगा, ये देखो आप, यहाँ पे मैं जिस पे खड़ा हूँ, जिस पत्थर पे खड़ा हूँ दिखाता हूँ, ये वही पत्थर हैं, वही किले की दीवार है या समथिंग जो भी है, ये चल रहा है, ये है बहुत दूर तक गया हुआ। ये देखो हिलोरे देख रहे हो, पानी की लहरें देखो, ये कहाँ तक गया हुआ है, वहाँ देखो एक पत्थर है, वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये एक पत्थर देखो, ये और आगे तक था, धीरे 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 धीरे, ये एक्चुअली किनारे क्या हुआ है ना कि ये जो नदी है, गंगा जो नदी है, ये नदी क्या बताऊँ मैं,
आप लोगों को गोमुख से निकलता है तो आप लोगों को लगता है यार ये छोटी सी नदी है क्या नहीं है, और यहाँ इसका और छोर कोई नहीं है। देखिए आप कोई और छोर पता लग रहा है, मैं तो दिखा रहा हूँ, कोई और छोर है नहीं है, कहाँ है कहाँ इस उस उधर का किनारा कहाँ आपको पता लग रहा है। यहाँ इतनी चौड़ी हो जाती है और इतनी भयानक हो जाती है ये नदी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो साइड आप जो देख रहे हो ये साइड, ये समुद्र का किनारा है, समुद्री हिस्सा है, समझ में आ रहा है? ये देखो, देखो मटके बंधे होंगे, आपको मटके दिखाई दे रहे होंगे यहाँ, ये देखो छोटा सा मटका यहाँ एक है, यहाँ एक है, मटका दिखाई दे रहा होगा। यारो एक हार्बर ऐसा भी, आप लोगों ने हार्बर मतलब ही होता है जहाँ पे समुद्री जहाज जो है वो आके खड़ी रहती है, लेकिन ये भी एक हार्बर है, डायमंड हार्बर अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो ये एक हार्बर ऐसा भी, अब आप सोच रहे हो कितनी पुरानी जगह ये है, अंग्रेजों की बनाई हुई जगह है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई, आज ये कंडीशन है। लेकिन ये जब ज्वार आता है, ज्वार में आप देख ही रहो यहाँ हिलोरे मार रही है ना, तो पानी भाटे में पानी यहाँ तक नहीं रहेगा, पानी और दूर तक चला जाएगा, ज्वार में ये पानी यहाँ तक और भी बढ़ जाता है। वो आगे आपको दिखाता हूँ आपको ज्वार में पानी कहाँ तक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ तक आ जाता है, आप देख के दंग रह जाओगे। ये निशान देख रहे हो आप, ये निशान देखो, भीगा हुआ निशान है, ये देखो यहाँ तक पानी आता है, ये देखो पानी यहाँ तक चला आता है, सोच सकते हो? अभी तो ये ज्वार कुछ नहीं है, ये ज्वार कुछ नहीं है, ये देख रहे हो आप जो नज़ारे जो देख रहे हो ये कुछ नहीं है, अभी ये जो पीछे हिलोरे मार रही है ना कुछ नहीं है, नथिंग है। उधर का नज़ारा देखिए और इधर का नज़ारा देखिए। चलिए मैं और थोड़ा सा और जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ और भी कुछ आप लोगों को दिखा सकूँ तो अच्छा ही होगा। थोड़ी सी चढ़ाई थी और इस चढ़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही में अल्टीमेट। अरे वाह, यहाँ पे देखिए केले के बागान, देखो पूरा केले के बागान, यहाँ केला हुआ पड़ा हुआ है, और चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना लाजमी है क्योंकि इतने अच्छे नज़ारे आप लोगों को देखने को मिले, तो आप लोगों का अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए।
और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।